हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम बाजू का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। ये 3/4 बाजू डिज़ाइन है। देखिए, इसकी फर्स्ट पार्ट की लंबाई हम 10 इंच लिए हैं और चौड़ाई हमारी 9.5 इंच है। ये देखिए, पहले हम इसे नीचे बॉटम को हम इस तरह से मोड़ते हुए पहले सिलाई कर देंगे इसकी। ये देखिए, हमने सिलाई कर दिया है इसकी। पहले को सिलाई कर दिया है और अब हम यहाँ पर कुछ ये देखिए 1 इंच जिसकी चौड़ाई है इस कपड़े की, और इसे मोड़ते हुए इस तरह हम डोरी बना लेंगे। पहले इसे देखिए, इस तरह से मोड़ते हुए हम डोरी बना लेंगे इसे। ये देखिए, हमने डोरी बना लिया है और इस डोरी को हम 3-3 इंच की लंबाई से काट लेंगे। ये देखिए, हम 3 इंच पर निशान लगाया है और इसे हम काट लेंगे, और बाकी डोरी को भी हम इसी तरह 3-3 इंच पर काटेंगे। ये देखिए, हमने 3 इंच पर काट लिया है डोरी को, और इसी तरह हम सारी डोरी को 3 इंच पर काट लिए हैं, देख लीजिए। और अब हम देखिए, इसे 2-2 इंच का पहले बॉटम पर निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमने मोड़ा है वहाँ पर हम 2-2 इंच का निशान लगाएंगे पूरे बॉटम पर। ये देखिए, हमने 2-2 इंच का निशान लगाया है और अब हम इस पर अटैच कर देंगे। 2-2 इंच पर जो हम निशान लगाए हैं, हर निशान के ऊपर 1-1 डोरी हम अटैच कर देंगे पहले। ये देखिए, हमने 1-1 डोरी अटैच कर दिया है। और अब देखिए, हम यहाँ पर एक और पतली डोरी लिए हैं और इसे हम बीच में अटैच करेंगे। दोनों डोरी के बीच में हम इसे अटैच करते जाएंगे। ये देखिए, हमने लंबाई के तरफ से अटैच कर दिया है डोरी को। और यहाँ पर देखिए, हमने एक और कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई 6 इंच है, और इसे हम दोनों तरफ से सिलाई कर देंगे। ये देखिए, हमने एक तरफ से सिलाई किया और दोनों तरफ से भी हम सिलाई कर दिए हैं इसकी। ये देखिए, और अब हम इस पर इसे अटैच करेंगे। दो डोरी को दूसरी कवर को ढकते हुए हम इसे सिलाई कर देंगे। ये देखिए, हमने डोरी को दूसरी तरफ से ढकते हुए सिलाई कर दिया है। और यहाँ पर हम इसे एक्स्ट्रा कपड़ा को काट लिए हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने एक और कपड़ा लिया है दूसरे कलर में, इसकी लंबाई 4 इंच है, और इसे हम डबल करते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह हम डबल करते हुए सिलाई लगा देंगे। पहले पूरे कपड़े पर हमने डबल करते हुए सिलाई लगा दिया है, और इसे हम कर प्रेस कर लेंगे। देखिए, हमने इसे उलट लिया है और अब हम इसे प्रेस भी कर लिए हैं। देखिए, हमने इसे प्रेस कर लिया है और इसे एक तरफ से इधर साइड से चुन डालेंगे और दूसरी तरफ इधर साइड से चुन डालेंगे। इस तरह हम पूरे पट्टी पर चुन डाल देंगे। देखिए, एक तरफ इधर साइड, एक तरफ इधर साइड से हम चुन डाल रहे हैं। ये देखिए, हमने पूरे पट्टी पर चुन डाल दिया है। और अब हम इसे इससे नीचे वाले हिस्से पर अटैच करेंगे। ये देखिए, हमने नीचे वाले हिस्से पर अटैच कर रहे हैं इसे। 1/2 इंच की दूरी रखते हुए हम इसे इस पर अटैच कर रहे हैं। ये देखिए, हम 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए हमने अटैच कर लिया इसे। और यहाँ पर हमने एक और पट्टी लिए हैं, ये देखिए, और इसकी भी चौड़ाई 4 इंच है, और इसकी भी चौड़ाई देखिए 4 इंच है, और इसे भी हम डबल करते हुए सिलाई कर लगा देंगे। ये देखिए, हमने डबल करते हुए सिलाई लगा दिया है और इसे प्रेस कर लिया उलट कर, और इसे भी सेम उसी साइड में इस पर भी चून डालेंगे, एक इधर साइड और एक इधर साइड से करते हुए पूरे पट्टी पर हमने चून डाल लिया है। और इसे हम पहले वाले चून को हम थोड़ा सा ऊपर रखते हुए इसे अटैच करेंगे। पहले वाले चून जो है डाले हैं, उसे थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, और इसे देखिए, हम इस तरह से डाल दिए हैं। और यहाँ पर हमने एक लेस लिया है और इसे दोनों साइड लगा दिए हैं, डोरी के दोनों साइड लगाए हैं। यहाँ पर हमने मोती लिया है, अब हर क्रॉस के ऊपर 1-1 मोती लगा देंगे। ये देखिए, हर क्रॉस के ऊपर हम 1-1 मोती लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, हमने पूरे क्रॉस पर मोती लगा लिया है। अब हम अपनी बाजू की चौड़ाई के हिसाब से इस पर सिलाई लगा देंगे। हमारी बाजू की जितनी चौड़ाई है उसके हिसाब से हम सिलाई लगा दिए हैं। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बाजू डिजाइन।